हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट वीडियो। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पर संजयवेर कॉलेज ने इंटरमीडिएट कॉमर्स का जो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाल दिया सेलेक्टेड स्टूडेंट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास टाइमिंग बदलाया गया है, जिसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि सेकंड लिस्ट वालों का टाइमिंग जो रहता है वो थोड़ा लेट से रहता है। अगर कॉलेज ने कुछ चेंज किया है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें, इसलिए आप क्लास टाइमिंग एक बार कॉलेज से एडमिशन के टाइम जरूर पूछ लें। क्लास टाइमिंग जो यहाँ पर बतलाया गया है वो 6:30 AM से 35 AM से 10 PM चलेगा आपका। और ये सेकंड लिस्ट है, इसके बाद थर्ड लिस्ट भी आती है। आप टेंशन मत लीजिए अगर आपका यहाँ नहीं दिया है तो। आपको कुछ बता दूँ, अगर आपने पहले वीडियो देखा था तो आपको पता होगा, फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पर, क्या क्या कैसा आपको एडमिशन प्रोसेस पे गुजरना होगा। तो एडमिशन डेट यहाँ पर देखें तो 2 दिन आपको दिया गया है, क्योंकि थर्ड लिस्ट जो है उसको भी रिलीज करनी है आपको 24 के बाद, या 24 तारीख को आपका रिलीज कर दिया जाएगा थर्ड लिस्ट। आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अपने कैश चलान और बाकी जो आईडी है उसके कैश चलान को सबमिट करना पड़ता है। हॉल सी में, इंटरमीडिएट बिल्डिंग में हॉल सी है, वहाँ जाकर आपको कैश चलान या आपको पेमेंट करना है तो उसी पे होगा। आफ्टर वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन में आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या सबमिट किए थे उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। आप क्रिश्चियन स्टूडेंट हैं तो बैप्टिज्म जो सर्टिफिकेट है उसको दिखाना जरूरी है। एसटीएससी बीसी1 बीसी2 से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहने पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अदर बोर्ड, अगर बाहर से कोई स्टूडेंट्स आते हैं और उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑरिजिनल नहीं है तो उनके लिए दिक्कत है। आप एप्लीकेशन लिखिए अगर आपके पास ऑरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो। और फुल फी पे करना पड़ता है, पे रिफंडेबल नहीं है। अगर आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फी नहीं दिया जाएगा वापस। अगर आपका रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट विल नॉट बी इंटर्ड, आपका कट ऑफ डेट्स के बाद, जैसे 2 दिन दिया गया है 22 तारीख के बाद अगर आते हैं एडमिशन करवाने तो आपका एडमिशन यहां पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर थर्ड लिस्ट वालों का नाम आ जाएगा अगर आप 2 दिन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो। आपको यहाँ पर जो है, अगर रिजल्ट नहीं है या मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर ये जो डिसीजन है वो प्रिंसिपल के पास है, आपको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है आपके पास तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, आपका वहाँ काम बन सकता है। बायोग्राफिकल डाटा या 4 स्टम्प साइज फोटो लेकर जाइए, उससे ज़्यादा लेकर जाइए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। और जेरोक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड अपने पेरेंट्स का, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट CBSE और ICSE बोर्ड्स वालों का और जैक बोर्ड्स वालों का, जैक एंड अदर बोर्ड। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार अच्छे से। और मैं बता दूँ कि फ़ी स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो हॉस्टल के लिए आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप एसटी बॉयज़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।